बंदा रोता है तो अल्लाह अपने फरिश्तों से कहता है जमीन पर भेज कर के फलां बंदा फला जगह पर बैठा है और रो रहा है, उसे तसल्ली दो, उसे चुप करवाओ। फरिश्ते आते हैं, जमीन पर उतरते हैं, उस इंसान को चुप कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका गम उसकी ज़ात से बढ़ चुका होता है। वो खामोश नहीं होता, वो रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, उसकी हिचकियां बन जाती हैं। फरिश्ते वापस जाते हैं और कहते हैं कि या बारी ताला, वो इंसान चुप नहीं हो रहा, वो रोए जा रहा है, जाने उसे ऐसा क्या दुख है, ऐसा क्या गम है जो उसकी ज़ात के अंदर मौजूद है कि वो चुप नहीं हो रहा। हमने बहुत ज्यादा उसे चुप करवाने की कोशिश की, बड़ी कोशिश लगा ली, लेकिन वो खामोश नहीं हुआ, लेकिन वो चुप नहीं हुआ, वो मुसलसल रो रहा है। तो अल्लाह पाक कहता है कि मुझे पता है मेरा बंदा क्यों रो रहा है, मैं जानता हूं, क्योंकि मैंने उससे उसकी बहुत ही दिल अजीज चीज, दिल अजीज शय, दिल अजीज इंसान ले लिया है, और उसे इस बात का गम है, और इस गम की वजह से उसका कलेजा फटा जा रहा है और वो रो रहा है। लेकिन मैं ही अपने बंदे के दिल में ये बात डालूंगा कि उससे बेहतर अता करूंगा जो उससे छिन गया है। और कह दो मेरे बंदे से कि ला तकनतु मिर रहमतिल्लाह, कि अपने रब की रहमत से मायूस ना हो जाना। अब जब मैंने ये तहरीर पढ़ी तो मैंने पहले इसे अक्ल के पैमानों पर देखा कि ऐसी बात भला खुदा बारी ताला कहां और कौन सी रिवायत में मौजूद है। लेकिन फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं ये बात आपके साथ शेयर करूं। अगर आप भी रो रहे हैं किसी इंसान के चले जाने पे, किसी शय के छिन जाने पे, किसी माली जरिए के चले जाने पर, किसी माली सबब के छिन जाने पर, किसी भी चीज़ के दूर हो जाने से अगर आप परेशान हैं, गमगीन हैं, अफसरदा हैं, तो परेशान ना हो, क्योंकि अल्लाह ने ये खुद कह दिया है कि अपने रब की रहमत से मायूस ना हो।